हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से आपके लिए नया वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर आया, जो तो इसमें रिवेटेड जॉइंट है आपके लिए सिखाने के लिए। तो आज देखो कैसे लैप जॉइंट, ये जॉइंट जो होता है ना, बार जॉइंट, लैप जॉइंट जो होता है, रिवेटेड जॉइंट जो होता है, तो उसके दो तरह होता है, तो दो टाइप है। एक है लैप जॉइंट, एक है बैक जॉइंट। लैप जॉइंट क्या होता है, लैप जॉइंट में ओवरलैपिंग होता है, मतलब एक ही दो शीट, दो स्टैक जो है, एक का ऊपर रहेगा उसका ऊपर रिवेट रहेगा, तो उसको होता है लैप जॉइंट। बैक जॉइंट जो है वो साइड साइड में रहेगा, उसका ऊपर एक स्टैक रहेगा, स्टैक का ऊपर रिवेट रहेगा। तो अभी हम जो रिवेट के लिए, रिवेट जॉइंट के लिए जो प्रोपोर्शन, जो यह यूजर प्रोपोर्शन है, वो हम सिखाएगा। पहले इसको पता जानना चाहिए, उसके बाद जॉइंट किएगा। तो डी है, डी फॉर डायमीटर ऑफ द रिवेट होल और रिवेट, टी फॉर थिकनेस ऑफ द प्लेट, टी वन इज द थिकनेस ऑफ द स्टेप व्हेन सिंगल कवर जो यूज करते हैं तब T1 लगाता है, और T2 क्या है, थिकनेस ऑफ द स्टैक व्हेन डबल रिवेट, डबल कवर जो यूज करता है, ऊपर नीचे वाला जो डबल कवर है उसके लिए T2 जो यूज करता है, नीचे वाला T2 है, ऊपर वाला T1। टी इज द पिच डिस्टेंस बिटवीन द टू रिवेट्स, ऐसे इसके बाद सेम रो में, और एम इज द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द प्लेट टू द सेंटर ऑफ द रिवेट होल। तो हम जब छवि दिखाएगा ना, पिक्चर दिखाएगा, उस टाइम में देखेगा इसका मीनिंग क्या होता है। अभी पता नहीं लग सकता है, लेकिन उस टाइम में पता लग जाएगा। यूजर प्रोपोर्शन क्या है, डी फॉर डी टू, मतलब डी टी, डी वन टी एंड एम है, इसका जो रिलेशन है वो सब एक के पास है, मतलब डी के साथ टी ए रिलेशन है, टी के साथ T1 है, टी के साथ T2 है, टी इन टर्म्स ऑफ डी, एम इज ए टर्म्स ऑफ डी, मतलब डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो ये सारे जो है सब रिलेशन है, रिलेशन थोड़ा याद करना है, वो याद करके कैलकुलेशन करके उसका प्लेट का थिकनेस, उसका प्लेट का थिकनेस, उसके बाद स्टेप जो है, स्टेप का थिकनेस, मोटा ऊपर वाला नीचे वाला, पिच जो है पिच भी निकालना पड़ेगा, बोलते हैं पिच विदिन द टू रो, ये भी निकालना है, मार्जिन भी निकालना है। तो डी का 6:15, मतलब अभी डी दे देगा, तो टी का निकालना है, तो टी कैसे निकालेगा, मतलब ए इक्वेशन लेके टी निकालना है। T1 कैसे निकालेगा, 0.625 टी इन टर्म्स ऑफ, टी तो निकल गया, इसके बाद टी निकल के तो टी बैठा जाएगा, T1 निकल जाएगा, उसके बाद T2 होगा, T2 में एक ही बात है, T1 में इधर में आ जाएगा, T1 टी इधर में आएगा, T2 डी आ जाएगा, टी का 2D इन टर्म्स ऑफ डी है, 2D मिनिमम है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं 3D फॉर जनरल पर्पज। टीआर जो है 0.6 टी, मैंने इन टर्म्स ऑफ टी, और जीचर डिवाइडिंग करते यूज करते हैं, और 0.8 टी फॉर चेन डिवाइडिंग, एम दोस्तों 1.5 टी, ये जो है पूरा यूज करते हैं डिवेट जॉइंट के लिए। हाँ, देखो पहले सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट कर रहा है। सिंगल लैप जॉइंट में पहले दो प्लेट लगाना है, दो प्लेट का थिकनेस क्या है, यह से निकल जाएगा। डी का उसको 6:50, तो डी तो हम जानते हैं, इफ डी का उसको 20 देन टी का उसको डी फॉर 20 स्क्वायर फॉर 400 डिवाइड बाई 36 इक्वल्स टू 1.11 मिलीमीटर, और पी कितना है, पी है 3D मीन्स 3 × 20 मिलीमीटर इक्वल्स टू 60 मिलीमीटर। एम इक्वल्स टू 1.5D मतलब 30 मिलीमीटर। और रिवेटेड हेड कैसे बनाएगा,
वो तो पहले हम बोला थे, फिर हम बोल देते हैं स्नैप हेड का जो हेड बनता है उसका डी जानता है हम, 20-20 लगा दिया इसको, सेंटर लाइन लगा दिया इसको, 10-10 करके डायमीटर होगा। उसके बाद इधर में जो लाइन है ऐसे इससे थोड़ा नीचे, मतलब 0.1D जो है 0.1D का सेंटर करके एक सर्कल लेगा, सर्कल में कार्व होगा, उसका रेडियस है 0.8D, 0.8D सर्कल रेडियस लेके इसको घुमा देगा, घुमा लेके हेड हो जाएगा। नीचे वाला भी सेम होगा, 0.1 नीचे लेके इसको रेडियस 0.8 लेके 0.8D लेके इसको फिर इधर स्क्रैप किएगा, नीचे वाला हेड हो जाएगा। तो इसका रेडियस मतलब 1.5 to 1.6 तो अंदर ही होगा, क्योंकि ये तो 0.8D है, थोड़ा कम होगा, 0.8D नहीं है, 0.8D का थोड़ा कम होगा, इसलिए 0.5 to 0.8 का बीच में ही होगा ये इसमें रेडियस जो है, ये रेडियस 0.8 मतलब 1.6D का थोड़ा कम होगा। तो हम थिकनेस निकाल लिया, थिकनेस लेके इधर से पहले एक लाइन उठाएगा लेगा, उसके बाद इसका बीच में एक सेंटर लाइन लेगा, इधर से 10 मिलीमीटर ले लिया, इसके बाद जैसे बनाएगा ऐसे बना लिया, वो बनाएगा स्नैप हेड का हेड बनाएगा। और ये थिकनेस है, पहले इसको थिकनेस कितना है, 11 है, तो हम 11 ले लेगा इसको थिकनेस, ये भी 11 मिलीमीटर, ये भी 11 मिलीमीटर, तो दोनों 11 ले लिया, 22। इसके बाद ये थोड़ा टेढ़ा होगा, मतलब थोड़ा कार्व होगा, मतलब थोड़ा एंगल लेके होगा 10 डिग्री। तो इसका इधर से इधर तक कितना होगा, एम इक्वल्स टू 1.5D, मतलब 30 होगा सेंटर लाइन से, ये जो एज है, एज का डिस्टेंस होगा 1.5D, मतलब 30 मिलीमीटर। इधर में भी ऐसे ही है, एज से सेंटर लाइन तक 1.5D, मतलब 30 मिलीमीटर। और इधर से कोई एंड नहीं है, क्योंकि ये कटा हुआ है, कटा हुआ लेंथ जितना होगा इसको थोड़ा बाहर थोड़ा बाहर निकलेगा, एज 30 मिलीमीटर होगा, 30 से थोड़ा बाहर निकलेगा। उसके बाद कटिंग एज हो गया, अभी फ्रंट का हो गया, अभी टॉप व्यू किएगा, टॉप व्यू कैसे बनाएगा, टॉप व्यू एज ऊपर वाला जो प्लेट है, ऊपर वाला प्लेट इतना तक है, कटा हुआ है, इसलिए इसको ब्रेक लाइन दिया है, ये भी ब्रेक लाइन दिया है, ऊपर वाला जो है ब्रेक लाइन दिया है। इसका जो एज है, एक स्ट्रेट लाइन है, वो भी ऊपर में और एक तो स्ट्रेट लाइन होगा, भूल गए थे, ये स्ट्रेट लाइन हो गया दोनों का, इसका लिए एक तो होगा, इसका लिए एक तो होगा, दोनों का लिए दो स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद यह सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से इधर से एक सेंटर लाइन सेंटर पॉइंट और एक तो देगा, देने के बाद और एक तो देना पड़ेगा। इसका डिस्टेंस होगा पी इक्वल्स टू 3D, मतलब 60 मिलीमीटर। और एक जरूरत है तो और एक दे सकता है हम लोग, मिनिमम 2 दे, इधर में दिया है, देना पड़ेगा मिनिमम 2 रिवेट देखना पड़ेगा हेड का। तो इसका रेडियस क्या है, इसका डायमीटर जो है वो डायमीटर ए वाला है, ये है 20 मिलीमीटर, और ये जितना होगा वो इधर में सेंटर लेके इसको रेडियस लेके ये सेंटर लेके रेडियस लेके बनाएगा ऊपर वाला, ये भी ऐसे ही बनाएगा। बनाने के बाद नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो प्लेट है, प्लेट का ए वाला स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ये तो दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नीचे है, नीचे है, इसलिए पूरा हिडन लाइन होगा। और ये वाला अंदर नीचे वाला इधर से इतना तक हिडन लाइन होगा, बाकी ब्रेक लाइन होगा, कटा हुआ लाइन, कार्व लाइन होगा। और यही है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, इसका लिए हम लोग यही कर सकते हैं, मतलब इसके बाद हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट देखा। अभी लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट देखा दिया, उसके बाद डबल रिवेटेड लैप जॉइंट आएगा, उसके बाद बार जॉइंट भी आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखा जो है, तो अभी हम अगर ये अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी देना है। ओके।